हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्किल एंड जंक्शन। सो आज की वीडियो में आपको वीलुकअप फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना कि आप ऑलरेडी वीलुकअप फंक्शन के बारे में जानते हैं, सो मैं गारंटी इस बात की देता हूँ कि इस वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना तो आज 80% कुछ नया सीखने वाले हैं आप। अब नॉर्मल वीलुकअप के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आपको बताते हैं वीलुकअप फंक्शन होता क्या है और लगाते क्यों हैं। अब मुझे ये लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता है कि वीलुकअप बेसिकली होता क्या है। पहले मैं वीलुकअप से सिंगल वैल्यूज को फाइंड करूंगा, मतलब सिंगल कॉलम की वैल्यू को फाइंड करूंगा। देन मैं उसके बाद बताऊंगा कि आप कैसे मल्टीपल जो कॉलम्स की वैल्यूज हैं वन टाइम में, एक बार फॉर्मूला लगाओ वीलुकअप का और वन टाइम में वो सब कुछ आपको फाइंड करके दे दे, आपको अगेन बार बार फॉर्मूला वीलुकअप का ना यूज़ करना पड़े। अब देखो, YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पे वो बोलते हैं वीलुकअप के साथ मैच फंक्शन यूज़ करो, वीलुकअप के साथ कॉलम फंक्शन यूज़ करो, उससे क्या होगा कि आप एक बार में सारी कॉलम्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते। बट इस वीडियो में आपको कुछ एडिशन करने के लिए नहीं बोलूँगा, जस्ट वीलुकअप नॉर्मल लगाओ, कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करो और वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सभी कॉलम्स में फिल हो जाएंगी। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ना पूरा देखिए सो दैट आप इसके बारे में सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा मैंने प्रिपेयर किया है जिसके ऊपर आज ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अब ये कंट्री वाइज एंड सेगमेंट वाइज एक सेल वैल्यूज़ है, ठीक है। अब लुकअप लगाने के लिए देखो क्या होता है, यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए आपके दोनों डेटा के अंदर जहाँ पे आप लुकअप लगा रहे हो, प्लस जिससे आप मैच करा रहे हो, जहाँ से आप लुकअप वैल्यूज़ को उठा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, मैंने एक शीट प्रिपेयर किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो यूनिक कोड है ना, जैसे यहाँ पे भी कोड है यूनिक और इस डेटा पे भी कोड यूनिक है, ये मैंने दोनों जगह पे रख दिया। तो आज इस कोड की हेल्प से क्या करना, मुझे सेगमेंट उठाना है, कंट्री का नेम उठाना है, प्रोडक्ट उठाना है, डिस्काउंट बैंड उठाना है, यूनिट सोल्ड उठाना है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस उठाना है, सेल प्राइस एंड ग्रॉस सेल्स। ये चारों पांचों चीज़ें जितने भी हैं, ये 7-8 जो कॉलम हैं, इन 7-8 कॉलम्स के अंदर वैल्यूज मैं सिंगल वन टाइम लुकअप लगा के जो है फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट टाइप करो इज इक्वल टू वीलुकअप, जो नॉर्मल आप वीलुकअप लगाते हो। अब देखो यहाँ पे वीलुकअप फंक्शन शो कर रहा है, टाइप बटन क्लिक करेंगे तो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है भाई, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे मेरा कोड है, मैंने कॉमा लगा दिया। अब बोल रहा है टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे यहाँ पर जो आपका डेटा है ना पूरा, ये आपका टेबल एरे है। अब देखो क्या है, आपने कोड से उठाना है, तो कोड से पहले पूरा कोड सेलेक्ट करो नीचे तक, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरे टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप राइट एरो को टाइप कीजिए, अब देखो इसे पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। देन कॉमा लगाइए। अब देखो मुझे सेगमेंट चाहिए था, वो दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे आप देखो ये सेगमेंट है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे कंट्री सॉरी सेगमेंट, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे टू, देन एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो सॉरी कॉमा जीरो एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, नाउ एंटर। अब देखो इसने गवर्नमेंट जो सेगमेंट में गवर्नमेंट पिक कर लिया है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इंटायर कॉलम पे पेस्ट हो जाए तो जस्ट ये प्लस वाले आइकॉन पे आइए, इस पे डबल टाइप कीजिए और ऑटोमेटिकली डेटा नीचे तक जहाँ तक आपका कॉलम में कोड है वहाँ तक ये पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो आपने एक कॉलम सेगमेंट कॉलम की वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया, अभी आप तो बोल रहे थे कि पूरे सभी कॉलम्स की वैल्यूज़ को वन टाइम में फाइंड करेंगे। तो जी हाँ, कर सकते हैं भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जस्ट आप देखो क्या करो, आप F2 टाइप करो यहाँ पे आके, ठीक है। F2 टाइप करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला खुल जाएगा कि बेसिकली इसके अंदर आपने क्या कांड किया है, ठीक है। देन इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल A करेंगे सिलेक्ट हो गया, देन कंट्रोल C, ओके एंटर। अब आप क्या करो कि जितने भी कॉलम्स हैं ना यहाँ पे इस फॉर्मूला को पेस्ट 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 सॉरी ये बहुत आगे चला गया मैं, ओके अगेन यहाँ पर आओ कंट्रोल B। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को F2 के हेल्प से ओपन किया। अब चाहे F2 के हेल्प से ना ओपन करें तो यहाँ पे ऊपर देखो ये फॉर्मूला बार आता है ना, यहाँ से सिलेक्ट कर लो चाहे इसको, ठीक है, पूरा सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो और हर एक कॉलम में पेस्ट कर दो। अब देखो क्या हुआ, इसने सेम वैल्यूज़ को दे दिया, हाँ देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर 2 है, ये देखो इंडेक्स नंबर 2 है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी आप मल्टीपल कॉलम की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर जब आप आएंगे जहाँ से आप लुकअप लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कोड आपका रेफरेंस था तो पहला कॉलम तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा सेगमेंट आपने उठाया तो नंबर 2 पे कॉलम इंडेक्स नंबर ये हो गया, तीसरे पे आए कंट्री हो गया, प्रोडक्ट 4th पे आ गया, हाई डिस्काउंट 5th पे आ गया। तो मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल जो वैल्यूज़ हमने उठानी है ना, इन 9 कॉलम्स की उठानी है। तो अब आप यहाँ पर आइए, ठीक है, अभी आपने फॉर्मूला अपना ओपन करना है, यहाँ फॉर्मूला बार पे जाइए, जस्ट आप कीजिए इंडेक्स नंबर चेंज, यहाँ पे 2 था 3 कर दो, यहाँ पे 2 था 4 कर दो, यहाँ पे 2 था 5 कर दो, 2 था नहीं मतलब 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है 6 कर दो। अब देखो इस कॉलम में भी 2 है, इसको 7 कर दो, ओके
और यहाँ पे ऐड कर दो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इंडेक्स नंबर को चेंज कर रहा हूँ। आप कंट्री के अंदर तीन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सो ये 10 कॉलम्स की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ से उठाना था। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर भी आप कोड से सिलेक्शन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 9। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ना लुकअप लगाते हैं तो उस टाइम पे जब कॉलम इंडेक्स नंबर आपको याद रहे कि, और सिलेक्शन आप पूरे टेबल का दे दो, ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जस्ट आप ऐसे पेस्ट कीजिए। अब आप सिलेक्ट कीजिए पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, जैसे यहाँ पे 3 है 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 होना चाहिए, मैंने 10 कर दिया। तो इसने क्या किया, 10 नंबर के कॉलम को फाइंड कर लिया, जस्ट 9 कर दो एंटर। अब ग्रॉस सेल आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करूँगा मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ, राइट एरो दबाऊंगा, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब प्लस वाले आइकन पे आएंगे, क्लिक करेंगे। अब देखो जादू, इसने क्या किया कि सिंगल वी लुकअप से पूरा आपका डेटा फाइंड करके दे दिया। अब देखो ये हैश हमने क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कोड हैं जो यहाँ पर हैं और इस टेबल में नहीं है। मैं फाइंड करके देख लेता हूँ, जैसे ये वाला कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल एफ, जस्ट पेस्ट एंड फाइंड। तो वी कुड नॉट फाइंड दिस वैल्यू बिकॉज है नहीं यहाँ पर। तो जो कोड हैं उन कोड का इसने डेटा आपको दे दिया, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है, बट मैंने इसके ऊपर अपना हार्डवर्क किया है। तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा यार, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, इससे कुछ जाएगा नहीं आपका। हो सके शेयर कर दो जिनको इन वीडियो की ज़रूरत हो, जो एक्सेल पे काम करते हैं, आपके फ्रेंड्स या कलीग्स हो, ठीक है। और ऐसी नॉलेज रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। जस्ट रेड वाला बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो। जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाएगी, सो दैट आप वीडियो को देख सको। आई होप फ्रेंड यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू अगेन।